नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। आज की वीडियो के टॉपिक में मैं आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक रिमाइंडर दे दूं, अगर आप अपने लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं जिनकी अभी लास्ट डेट नहीं हुई है तो मैंने आपके लिए एक बनाई है प्लेलिस्ट। सबसे ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट लिखा हुआ दिखेगा जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर क्लिक कीजिएगा। इसके अंदर आपको एक जो है करंट जॉब का फोल्डर मिलेगा, तो इसके अंदर पहली 30 वीडियो देख लीजिए, इन सब की अभी लास्ट डेट पड़ी होगी तो इन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 10वीं पास ऑल ओवर इंडिया में आपको इसमें बहुत सारी पोस्टें मिल जाएंगी, 30,000 से ज्यादा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की पोस्ट की। तो दोस्तों आज की पोस्ट है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अप्लाई ऑनलाइन 10th पास इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट एपी सर्कल। तो दोस्तों ये पेज कौन सा है जो मैंने ओपन कर लिया है और आपको बताने लगा हूं, ये है हमारी वेबसाइट www.samajhaayakya.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आपको हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे मैं सबसे पहले जो है इस पोस्ट के बारे में डाल देता हूं और वीडियो बाद में आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये है एपी पोस्टल सर्कल। अब ये एपी क्या है भैया, ये जानना भी जरूरी है। ये है आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2017-18। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एपी सर्कल की ये रिक्रूटमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल पोस्टें इसमें 39 हैं। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों एप्लीकेशन मोड होगा ऑनलाइन, लोकेशन होगी आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विजयवाड़ा, कुरनूल और विशाखापट्टनम में आपकी जो है जॉब लगेगी। बाद में आपको अपनी स्टेट में जॉब मिलती है या नहीं मिलती वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो आपकी करंटली लोकेशन होगी वो यहीं पे होगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको एग्जाम देने के लिए विजयवाड़ा, कुरनूल और विशाखापट्टनम में ही जाना पड़ेगा, वहीं पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको मिलेगा। कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास चाहिए, अगर आपके पास 10th पास नहीं है तो आप आईटीआई डिप्लोमे से भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से 25 साल है। एज रिलैक्सेशन 5 साल की आपको मिल रही है एससी एसटी वालों को, और ओबीसी वालों को 3 साल की मिल रही है। एप्लीकेशन फीस आपको 100 रुपीज जो है हर कैटेगरी वाले को देनी ही देनी है, और एग्जामिनेशन फीस 400 रुपीज जो है ओसी और ओबीसी कैटेगरी वालों को ही देनी है। एक चीज सबसे जरूरी बता दूं, ये जो एप्लीकेशन फीस इन्होंने यहाँ पे रखी है ये आपको एपी सर्कल के हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस जो इनका है वहीं पे जाके सबमिट करवानी है, ऐसे नहीं होगी तो बाय आपके दोस्त जो भी हैं, कोई अगर रहता है रिलेटिव वगैरह तो उनको कह के फीस जमा करवा दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 19/8/2017 इसकी लास्ट डेट है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगी 18/9/2017 से। लास्ट डेट पेमेंट की 21/9/2017 है, और इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये है, और अगर इसके बारे में पूरी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो ये है लिंक। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसके बाद क्या ओपन होता है। तो ये कुछ आपके सामने पीडीएफ जो है यहाँ पे ओपन हो गई है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे भी करके देख लीजिएगा कि लिंक वर्क कर रहा है नहीं, तो ठीक है यहाँ पे। अब मैं इसकी वीडियो जो है बहुत जल्दी किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको पोस्ट कर दूंगा आज शाम तक, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करना लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।